कब हुई थी खुदाई यहाँ की? 4-5 साल पहले। अच्छा, तो खुदाई में ये जगह निकली? हाँ, ये जगह असल में निकली। क्या निकला इसमें खुदाई में? सिंहासन राधा रानी का जो है लुप्त था, वो राधा रानी ने ही ये वन तैयार किया था और यहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ खेलने आया करती थी। मैं मौजूद हूँ राधा रानी मंदिर बरसाना में। ये देख रहे हो नज़ारे, ये बरसाना के नज़ारे हैं। सामने लिखा है, राधे राधे बोलो बरसाना की गलियन में डोलो, परिक्रमा मार्ग। और ये परिक्रमा मार्ग है पैदल जाने वालों के लिए। आज मैं आपको बरसाना लेकर जाऊंगा और बरसाना की उन सभी जगहों पर लेकर जाऊंगा जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि आप बरसाना कैसे आ सकते हैं और आपको बरसाना में कहां कहां जाना चाहिए। यहां पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म चल रही है। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं राधे राधे, हमारा बहुत खुश हो गया दर्शन करके। लाडली जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, अच्छे लगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरसाना कैसे आ सकते हैं। दिल्ली से बरसाना की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। आप बाय रोड बरसाना पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मथुरा आ जाइए। मथुरा से 42 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना मौजूद है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, इन सभी जगहों से बरसाना के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है। ये बस स्टैंड बरसाना का है। कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है, फिर चाहे मथुरा में हो, वृंदावन में हो या फिर गोवर्धन में। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से बरसाना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। आगरा से भी आपको कैब और बस दोनों के ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बरसाना पहुंचना बहुत आसान है। चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूं बरसाना की उन गलियों में जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी घूमा करते थे। ये जो मेन रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आगे गोवर्धन तक जाता है। यहां से मैं राइट टर्न लूंगा और बरसाना गांव में एंटर करूंगा। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये बरसाना गांव के हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छा रोड बन चुका है। हो सकता है 5000 साल पहले ये गांव ऐसा ना हो। अगर आप बरसाना में रुकना चाहते हैं तो अब रुकने के लिए भी काफ़ी सारी धर्मशालाएं, आश्रम और कुछ अच्छे होटल्स भी बन चुके हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जगह जगह बहुत से होटल्स बन चुके हैं। छोटी छोटी पार्किंग जगह जगह बनी हुई है। ये यहाँ की एक मेन पार्किंग है और यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। लेफ्ट वाला रोड गहवर वन के लिए जाता है और राइट वाला रोड राधा रानी मुख्य मंदिर तक जाएगा। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ गहवर वन। इस पॉइंट से गहवर वन की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह गहवर वन तक जाता है। यहां पर एक रोड के बराबर में छोटा सा रोड और बनाया गया है क्योंकि बरसाना में भी परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर बहुत सी टूरिस्ट बस रोजाना आती है जिसमें हजारों श्रद्धालु बरसाना दर्शन करने के लिए आते हैं। परिक्रमा की बात करें तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा बरसाना परिक्रमा की, कि कैसे होती है और कैसे परिक्रमा की जाती है। अभी मैं मौजूद हूँ गहवर वन में। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ गहवर वन के मुख्य कुंड तक, जिसे राधा सरोवर भी बोला जाता है, जो राधा रानी के समय का है। फाइनली गहवर वन के उस मुख्य कुंड पर पहुंच चुके हैं। राधा रानी की जय हो, देव चन्ना मन देव भैया जी, खूब फलो फूलो यात्रा सफल था। ये वो है, ये राधा सरोवर, इसमें राधा के जलवार करते हैं। बताया जाता है कि ये कुंड 5500 साल पुराना है। राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान करने आया करती थी। तो फ्रेंड्स, अभी गहवर वन के पास मौजूद राधा सरोवर पहुँच चुके हैं। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं ना सामने, ये राधा रानी के समय का है। बताया जाता है कि यहाँ पर राधा रानी आती थी और स्नान किया करती थी। बहुत प्राचीन ये जगह है और यहाँ के पहाड़ आप देख रहे हैं ना, ये बरसाना ये पहाड़ है। सामने ऊपर पहाड़ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं वो मोरकुटी है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बनकर नाचे थे और आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ मोर के रूप में नृत्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको कुछ और यहाँ के नज़ारे। जैसे वृंदावन में निधि वन है, वैसे ही बरसाना में गहवर वन है और ये वन बहुत पुराना है। 5500 साल पुराने इतिहास को लिए ये गहवर वन बहुत ऐतिहासिक जगह है। फलाई बाबा सपनों दिए जब खुदाई में निकले हो जो है। कब हुई थी खुदाई यहाँ की? 4-5 साल पहले। अच्छा, तो खुदाई में ये जगह निकली? हाँ, ये जगह असल में निकली। क्या निकला इसमें खुदाई में? सिंहासन राधा रानी का जो है लुप्त था, वो शयन कक्ष है।
अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गहवर वन में राधा रानी के शयन कक्ष में, जो पिछले कुछ वर्षों में खुदाई के दौरान पाया गया है। सामने जो आप ये सिंहासन देख रहे हैं, यह सिंहासन खुदाई के दौरान मिला है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक संत को सपने में ये जगह दिखाई दी, तो यहाँ पर खुदाई कराई गई और खुदाई के दौरान काफ़ी गहराई में ये सिंहासन पाया गया, जिसे राधा रानी का सिंहासन और शयन कक्ष के रूप में जाना जाता है। बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। अगर आप बरसाना आते हैं तो गहवर वन जरूर आइएगा। ये आसपास में जितना भी आप जंगल देख रहे हैं, ये गहवर वन का क्षेत्र है। और ऊपर मोर कुटी है, वो भी एक मुख्य मंदिर है। सामने आप जो कुंड देख रहे हैं, ये गहवर वन का कुंड है। ये कुंड बहुत गहरा है। बताया जाता है कि 12 फीट नीचे यहाँ पर एक होदी भी है, तो करीब 20 से 25 फीट तक गहराई है गहवर वन के इस राधा सरोवर की। पुराने समय में लोग यहाँ पर नहाया भी करते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोग नहीं नहाते हैं। राधा रानी का सबसे प्रिय कुंड है गहवर वन का ये राधा सरोवर। तो ये जो जगह थी, ये गुप्त जगह थी राधा रानी की। पिछले कुछ सालों में ही खुदाई के बाद ये जगह मिली है, जहाँ अभी हमने दर्शन किए। और सामने वाला जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है मान मंदिर तक। ऊपर जो आप मंदिर देख रहे हो, ये रास्ता वहाँ तक जाता है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। और ये इसके ठीक पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, ये सब गहवर वन है। और गहवर वन के बारे में बताया जाता है कि ये वही वन है जिसे राधा रानी ने तैयार किया था। और बचपन में वो अपनी गोपियों के साथ, सखियों के साथ यहाँ खेलने आया करती थी। कृष्ण जी भी यहाँ पर खेलने आया करते थे बचपन में। बहुत प्राचीन जगह है ये। नज़ारे देखो आप, पेड़ों को देखो, देख कर ही लग जाएगा आपको, समझ जाएंगे आप कि ये जगह कितनी पुरानी है। ये परिक्रमा मार्ग है बरसाने का। जब आप बरसाने की परिक्रमा करेंगे ना, तो इन्हीं रास्तों से आएंगे आप, और इन्हीं रास्तों से आगे आपको जाना होगा। लेकिन अब सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं बरसाने में। ऐसे ऐसे रास्ते बन चुके हैं जहाँ आप गाड़ियाँ लेकर भी आ सकते हैं। देखिए, श्री मान मंदिर का मुख्य गेट है ये। सामने लिखा गया है श्री मान मंदिर सेवा संस्थान गहवर वन बरसाना। करीब 265 सीढ़ियां चढ़कर मान मंदिर तक जाया जा सकता है। परिक्रमा के दौरान ही हम इन सभी मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे। मान मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह है जब राधा रानी कृष्ण जी से नाराज हो गई थी, तो एक पहाड़ पर बैठ गई थी। यहाँ पर मान मंदिर बनाया गया है। मंदिर में ही एक गुरुकुल स्कूल भी चलाया जाता है, जिसमें सैकड़ों छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें वो संस्कृत और आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ साइंस और कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर में। ये सामने आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है मान मंदिर का। बरसाना आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालुओं में से कुछ ही लोग मान मंदिर तक भी आते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे पूरा बरसाना दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पर सामने एक परिक्रमा मार्ग है। अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं, तो इन सभी जगहों पर दर्शन करने जा पाएंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। परिक्रमा के दौरान इन सभी मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मान मंदिर बरसाना के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बरसाना गाँव का है। मान मंदिर बरसाना के एक मुख्य पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से दो अलग अलग रास्ते हैं। एक सीढ़ीनुमा रास्ता है जिससे हम लोग आए हैं, और एक परिक्रमा मार्ग है। आप चाहें तो सीढ़ीनुमा रास्ते से आ सकते हैं, आप चाहें तो परिक्रमा मार्ग से भी आ सकते हैं। बरसाना की परिक्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है। जगह जगह लिखा गया है परिक्रमा मार्ग। जब भी आप बरसाना हो, अगर आपका मन है कि पैदल पूरा बरसाना घूमना है, तो परिक्रमा मार्ग से बरसाना की सभी जगहों पर दर्शन करने जा सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपके जितने भी यहाँ के दर्शन हैं, सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक छोर से आप शुरू करेंगे और पूरा एक राउंड सर्कल बनाते हुए सारे दर्शन करते हुए पूरी परिक्रमा आपकी हो जाती है बरसाने की। बंदरों से बड़ा सावधान रहना आपको पूरी ब्रज यात्रा के दौरान, चाहे वृंदावन में हो, गोवर्धन में या फिर मथुरा में। आँखों का चश्मा, हाथ में फ़ोन, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ छीन लेते हैं। खाने पीने की कोई चीज़ है तो वो भी छीन लेंगे। लास्ट ईयर जब हम यहाँ आए थे गहवर वन में, तब यहाँ मुश्किल से 2-4 श्रद्धालु थे, लेकिन इस साल यहाँ पर कुछ श्रद्धालु नज़र आने लगे हैं। मेरा मानना है कि जब आप बरसाना आओ, तो राधा रानी मंदिर दर्शन के बाद सभी जगहों पर दर्शन करने जरूर जाइए, जैसे गहवर वन,
मान मंदिर, कुशल बिहारी जी मंदिर, कीर्ति मंदिर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ जा सकते हैं। बरसाने की परिक्रमा की बात करें तो 11 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसमें से 7 किलोमीटर की परिक्रमा ब्रह्मसानु पर्वत की होती है और 4 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा होती है। ये ब्रह्मसानु पर्वत है जिस पर राधा रानी मंदिर, मान मंदिर, मोरकुटी जैसे मुख्य मंदिर मौजूद हैं। ये बरसाना के खूबसूरत पहाड़ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाते हैं। सामने लिखा है, राधे राधे बोलो बरसाना की गलियन में डोलो, परिक्रमा मार्ग। महाप्रभु की बैठक है सामने और ये परिक्रमा मार्ग है पैदल जाने वालों के लिए। ये पूरा क्षेत्र गहवर वन का क्षेत्र है जिसे राधा रानी ने खुद स्वयं तैयार किया था। हालांकि गहवर वन के कुछ हिस्सों में श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वहां लेकर चलूंगा जिस रास्ते से आप गहवर वन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप गहवर वन की उन खूबसूरत पेड़ पौधों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने जो आप वन देख रहे हैं वो गहवर वन है और गहवर वन का वो हिस्सा है जहाँ से आप अंदर वन में एंट्री कर सकते हैं। फिर जितने भी नज़ारे मैंने आपको दिखाए गहवर वन के, वहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते और वो सुरक्षित भी नहीं है क्योंकि जंगली जानवर खासतौर पर बंदर आपको परेशान कर सकते हैं। अंदर लेकर चलता हूँ आपको गहवर वन के। यहाँ पर गहवर वन के इतिहास के बारे में पूरा लिखा गया है और ये वो जगह है जहाँ पर गहवर वन के अंदर श्रद्धालु जा सकते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना नज़ारा, यहाँ पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म चल रही है। वो जाना ऐसे ही गीत गाती हैं महिलाएं आकर। अंदर राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मौजूद है। यहाँ लिखा भी गया है श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म। तो ये जगह जो है बरसाना की बहुत ऐतिहासिक है, आप यहाँ जरूर आइएगा। राधा रानी लाडली जी मंदिर से करीब 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है और ये क्षेत्र गहवर वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ नित्य प्रतिदिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यहाँ सामने लिखा भी गया है श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म। यहाँ पर महिलाएं ऐसे ही रोजाना गीत गाती हैं, भजन करती हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत ऐतिहासिक जगह है। तो अभी मैं गहवर वन के अंदर हूँ और ये गहवर वन का वो हिस्सा है जहाँ पर श्रद्धालु टूरिस्ट अंदर घूमने आ सकते हैं। ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ये गहवर वन के वो पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राधा रानी ने ही ये वन तैयार किया था और यहाँ पर वो अपनी सखियों के साथ खेलने आया करती थी। वन में बहुत सारे बंदर हैं तो थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। इस वन के जो पेड़ हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब, बड़े यूनिक पेड़ हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ जैसे पेड़ हैं। अगर आपको पता है कि ये कौन से पेड़ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। ये बहुत प्राचीन वन है, मैं बता रहा हूँ आपको। बरसाना आओ ना तो यहाँ जरूर आना। आप सच में भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के उन 5000 साल पुराने एहसास को यहाँ महसूस कर पाएंगे। गहवर वन बरसाना का वही वन है जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ आज भी राधा कृष्ण की आवाजें गूंजती हैं। आप घर बैठे पूरी बरसाना नगरी घूम रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ लाडली जी मंदिर। गहवर वन से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर लाडली जी मंदिर मौजूद है, जिसे राधा रानी जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। राधा रानी के मुख्य महल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये बरसाना की गलियां हैं और सामने ही परिक्रमा मार्ग मौजूद है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बरसाना में कुल 11 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। एक बड़ी परिक्रमा जो 7 किलोमीटर की होती है, जो मुख्य पर्वत ब्रह्मसानु पर्वत की परिक्रमा है, और एक छोटी परिक्रमा होती है जो 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये बरसाना गाँव की मुख्य सड़कें हैं। छोटे छोटे रास्तों से होकर हम पहुँचेंगे लाडली जी मंदिर। लाडली जी मंदिर मुख्य बरसाना गांव से करीब 200 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। वहां तक गाड़ी ले जाने के लिए भी एक रास्ता बन चुका है। आसपास में आप काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई देख रहे होंगे। वैसे गाड़ियां कुशल बिहारी महाराज जी मंदिर तक भी पहुंच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बरसाना पहुंच गए हैं, राधा रानी मंदिर के पास में है। गाड़ी यहाँ रोड पर ही खड़ी कर दी है। वैसे ऊपर भी एक पार्किंग है लेकिन वहाँ तक अभी गाड़ी नहीं जा पाएगी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे।
यहाँ से ऐसे जाएंगे ऊपर और वहाँ उधर राधा रानी मंदिर है और ये पूरा बरसाना गांव है। मंदिर जाने के कई सारे रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप आ सकते हैं। जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये वो रास्ता है जिससे जिस पर अपनी कार लेकर आया जा सकता है। मुख्य बरसाना का लाडली जी मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है तो यहाँ पर आपको बाइक की सेवा भी मिल जाएगी। आप चाहें तो 30 से 40 रुपए देकर बाइक पर बैठकर भी राधा रानी मंदिर तक आ सकते हैं। यहाँ आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो कुशल बिहारी महाराज जी मंदिर तक गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और होली के अवसर पर यहाँ तक कार नहीं आ पाएगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर पालकी की भी व्यवस्था है जिसमें 400 रुपये चार्ज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं लाडली जी मंदिर। फ्रेंड्स, राधा रानी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, सब लोग हैं साथ में और ना पूरा राधा रानी मंदिर के बरसाना के रंग में रंग चुके हैं सब। और ना अभी यहाँ पे गुलाल भी मिल रहा है 10-10 रुपए। 200-250 मीटर पैदल चलकर मुख्य मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। और लेकिन मंदिर तक जाने वाला ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। आसपास में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं, तो कुछ इस तरह की पालकी में बैठकर भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, दिव्यांग हैं, तो ये सुविधा आपके लिए यहाँ मौजूद है। व्हील चेयर भी अब यहाँ पर मौजूद है। सामने जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो राधा रानी रसोई का है। तो ये राधा रानी रसोई है, निःशुल्क प्रसाद है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चालू रहती है और शाम को 4 बजे से रात को 6-7 बजे तक खुली रहती है। यहाँ निःशुल्क प्रसाद आपको मिल जाएगा। ये नज़ारा है बरसाने गांव का और अभी मैं राधा रानी मंदिर जाने वाले रास्ते पर हूँ। उधर सामने राधा रानी मंदिर है। देखिए, व्हील चेयर की भी व्यवस्था है यहाँ पर दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको नज़ारे। यहाँ पर आप ये पिलर देख रहे हैं और ठीक इसके राइट में राधा रानी मंदिर है। तो फ्रेंड्स, बरसाना राधा रानी मंदिर के बाहर खड़े हैं। ये पिलर देख रहे हो आप पीछे, पता है किस चीज़ के हैं? यहाँ रोप वे भी शुरू होने वाली है ना? और रोप वे बनने से आप समझ रहे हो कितना फायदा हो जाएगा, बहुत जबरदस्त। हाँ, मतलब वहाँ से नीचे से जब रोप वे आएगी तो वहाँ एक बड़ी सी पार्किंग होगी, गाड़ियाँ खड़ी करो, रोप वे का टिकट लो, यहाँ आओ और सामने यहाँ मंदिर मौजूद है। बरसाना में रोप वे के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। आने वाले दिनों में, शायद 1-2 साल में ही यहाँ पर रोप वे शुरू हो जाएगी। उधर है मंदिर और ये उसके पास में जूता स्टैंड। चलिए अंदर चलते हैं और आपको मैं दर्शन कराऊंगा लाडली जी के जन्म स्थान के, उनके महल के, जहाँ वो बरसाना में निवास करती थी। फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ राधा रानी मंदिर बरसाना में और दर्शन कराते हैं आपको। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मुख्य मंदिर तक जाते हैं, लेकिन मैं पहले लेकर चल रहा हूँ आपको एक दूसरी जगह पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाच गाना चल रहा है, होली खेली जा रही है। यहाँ का माहौल ना हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा लोग यहाँ पर नाचने गाने में मशगूल रहते हैं। शानदार अनुभव रहता है यहाँ का, भजन कीर्तन यहाँ हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, राधा रानी मंदिर में अंदर जा रहे हैं, दर्शन कराते हैं आपको लाडली जी महाराज। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और पीछे का ये नज़ारा देखो, पूरा बरसाना गाँव यहाँ से देखने के लिए मिलता है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको मैं दर्शन भी करा पाऊँ। चारों ओर ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे इस वक्त। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे मैं आपको जूम कर दर्शन भी कराऊंगा। तो आप भी साक्षात राधा रानी के दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो बताओ, राधा रानी मंदिर में, लाडली जी मंदिर में दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो
तो फ्रेंड्स ये है लाडली जी मंदिर बरसाना का, और उसके आसपास के मैं नज़ारे दिखाऊं आपको। ये देखो, ये नीचे जो आप गांव देख रहे हैं ये बरसाना है, और वहाँ जो दूर आप एक मंदिर देख रहे हैं वो कुशल महाराज जी मंदिर है, वहाँ कार पार्किंग भी मौजूद है, और इस रास्ते से सभी लोग आते हैं। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इस वक्त बरसाना के लाडली जी मंदिर में। अभी दर्शन किए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। कैसा रहा दर्शन का अनुभव, कैसे रहे दर्शन? बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं राधे राधे, और बहुत मज़ा आया राधे राधे, और मन एकदम से दर्शन करके प्रफुल्लित हो गया है राधे राधे। मन हमारा बहुत खुश हो गया दर्शन करके राधा रानी के। उन्होंने क्या कहा, लाडली जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा अच्छा लगा? तो सोमवार का दिन है, 19 तारीख है, 19 फरवरी, और यहाँ पर ना इतना ज़बरदस्त भीड़ है कि जैसे होली के आसपास भीड़ रहती है ना, कुछ ऐसी भीड़ रहे हैं। और होली भी आने वाली है, जल्दी होली आ रही है, और अभी भी यहाँ पर कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूँ ना होली खेली जा रही है, गुलाल भी बेचा जा रहा है, लोग होलियाँ खेल रहे हैं। तो ये समय ना बहुत अच्छा है बरसाना आने के लिए। बरसाना भी पूरी ब्रज यात्रा अगर आपको करनी है ना, फरवरी मार्च का महीना बहुत अच्छा होता है, फरवरी मार्च अप्रैल तक आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप सितंबर अक्टूबर नवंबर और पूरी सर्दियों में कभी भी आ सकते हैं। तो ये तो थे लाडली जी के दर्शन राधा रानी मंदिर में, राधा रानी के दर्शन। अभी आगे चलते हैं, आगे के कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ। मंदिर के रास्ते में ना मेहंदी लगाने की एक पुरानी प्रथा है, अगर आप भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव रहता है राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के बाद। ये बरसाना के पहाड़ हैं, इन पहाड़ के ऊपर आते हैं जहाँ पर लाडली जी का मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे कुछ और खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ, और बरसाना में कहाँ कहाँ जा सकते हैं वहाँ लेकर चलता हूँ। बरसाना धाम के स्पेशल कांजी के बड़े, क्या स्पेशल है इसमें? मूंग की दाल का स्पेशल बनता है। तो फ्रेंड्स निशुल्क राधा रानी रसोई के पास है, कांजी के बड़े खा रहे हैं, 40 रुपये की प्लेट है, टेस्ट अच्छा है। राधे राधे नाम लिए जाओ और कांजी के बड़े खाए जाओ। बरसाना में रहना पड़ेगा तो राधे राधे कहना पड़ेगा, बरसाना में ढोलना पड़ेगा तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। लाडली जी मंदिर जाने वाले रास्ते पर ही थोड़ा दूरी पर कुशल बिहारी जी महाराज का मंदिर है। सामने बोर्ड लगा है राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग मंदिर श्री कुशल बिहारी जी महाराज। तो फ्रेंड्स कुशल बिहारी जी महाराज मंदिर के बाहर खड़े हैं, मंदिर में लेकर चलते हैं आपको। ये कुशल बिहारी महाराज मंदिर है, यहाँ पर एक कार पार्किंग भी है जहाँ कार से 100 रुपये, बाइक से 50 रुपये चार्ज लिया जाता है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, कहने के लिए बरसाना उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये मंदिर राजस्थान सरकार के कंट्रोल में है। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह राजस्थान सरकार का अंडर अच्छा। मंदिर बहुत प्राचीन है, ज्यादातर हिस्सों में मंदिर के अंदर ताले डले हुए हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ खान पान करना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स राधा रानी मंदिर में दर्शन हो गए, कुशल बिहारी जी महाराज दर्शन हो गए, अभी वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं बरसाना की दूसरी जगहों पर। ज़्यादातर लोग बरसाना आते हैं और राधा रानी मंदिर दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बरसाना में और भी बहुत सारी जगह है जहाँ आपको दर्शन करने घूमने जाना चाहिए, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ। वो है फ्रेंड्स परिक्रमा वाला मार्ग, वहाँ से आते हैं और ऐसे पत्थरों से ऊपर चढ़ते चढ़ते मंदिर तक पहुँचते हैं। वैसे तो राधा रानी मंदिर में दर्शन करने हैं ना आपको बरसाना में, कई सारे रास्ते हैं, 3 से 4 अलग अलग रास्ते हैं, जो आपको सही लगे ना उससे आ जाइए, जहाँ पर भीड़भाड़ कम हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं है जहाँ पर मैं ये बता दूँ कि यहाँ भीड़ कम होगी। जिस रास्ते पर मैं हूँ ये गाड़ी वाला रास्ता है, जहाँ पर कुशल बिहारी महाराज जी मंदिर तक कार आ जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा रश होता है तो पहले ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती जैसे हमने की थी। अभी फ़िलहाल यहाँ एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि राधा रानी मंदिर अभी बंद हो गया है, दोपहर को 2 बजे बंद हो जाता है, 4 बजे तक बंद रहता है, 4 बजे फिर खुलेगा और फिर से यहाँ भीड़ ऐसे ही हो जाएगी। बाकी पीछे से भी 2-3 रास्ते थे जहाँ से आप पैदल जा सकते हैं मंदिर तक। ये जो शहर आप देख रहे हैं, गांव जो आप देख रहे हैं, ये बरसाना है, वहाँ हमारी कार खड़ी हुई है। चलिए बरसाना की कुछ दूसरी जगहों पर चलते हैं।
ये जो रोड है ये बरसाना का मुख्य रोड है। यहाँ से एक रास्ता गोवर्धन के लिए जाता है और एक रास्ता यहाँ से कीर्ति मंदिर के लिए जाता है। अभी मैं आपको कीर्ति मंदिर लेकर जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ कीर्ति मंदिर के बाहर। कीर्ति मंदिर भी बहुत सुंदर है। शाम के वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। सुबह 5-6 बजे खुलता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे मंदिर फिर खुल जाता है और रात को 8-8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। राधा रानी मंदिर से करीब 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर कीर्ति मंदिर मौजूद है। ये मंदिर परिसर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। राधा रानी की माता जी कीर्ति जी को ये मंदिर समर्पित है। अगर शाम के वक्त आप यहाँ आएंगे तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहेगा। मंदिर का निर्माण भी पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ है, लेकिन वृंदावन के प्रेम मंदिर के जैसा ही ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। शाम के वक्त आप यहाँ आइए, आराम से यहाँ पर आधा घंटा एक घंटा बैठ जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर बहुत खूबसूरत है। आप में से बहुत लोगों ने बरसाना यात्रा पहले भी की होगी, लेकिन हो सकता है कि आपने वो सभी स्थान ना घूमे हो जो मैंने आज इस वीडियो में दिखाए हैं। जब भी आप बरसाना आए तो इन सभी जगहों पर जरूर जाइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ रंगीली महल के पास। हालांकि रंगीली महल में अब लोगों को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन रंगीली महल के पास में ही रंगीली महल कैंटीन है। अभी मैं रंगीली महल की कैंटीन में मौजूद हूँ। आप जहाँ शाम के वक्त आइए, जहाँ का खाना बहुत लाजवाब है। आप स्क्रीन पर मेन्यू देख ही रहे होंगे, मेन्यू भी है, उनका रेट भी है। जो भी आप ट्राई करना चाहें शाम के वक्त, ये एक बेस्ट ऑप्शन है बरसाना में खाना खाने के लिए। हालांकि कैंटीन का भी खुलने और बंद होने का एक समय है। सुबह नाश्ते के वक्त खुलती है जो करीब 12-1 बजे तक खुलता है, उसके बाद शाम को 4-4:30 बजे कैंटीन फिर से खुल जाती है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है बरसाना यात्रा की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है, शायद किसी की हेल्प हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।